दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि बेटी की शादी करना हर माता पिता का सबसे बड़ा सपना होता है। दोस्तों ऐसे में इस सपने को पूरा करने के लिए वो सालों से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। दोस्तों गौरतलब है कि हर माता पिता अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपनी बेटी को कुछ ना कुछ उपहार जरूर देते हैं। जी हां दोस्तों, वो कभी भी अपनी बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करते हैं। बता दें कि ज्यादातर माता पिता इस दौरान अपनी बेटी को घर गृहस्थी के सामान से लेकर ज्वेलरी तक बहुत सी चीजें तोहफे में देते हैं, मगर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक चीज ऐसी भी है जिसे बेटी को विदाई के समय कभी नहीं देना चाहिए। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको उसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों अब ये तो सब जानते हैं कि माता पिता अपनी बेटी को केवल अपनी जिम्मेदारी समझकर तोहफा नहीं देते हैं, बल्कि इस तोहफे में उनका प्यार और स्नेह छिपा होता है। अब यूं तो आजकल के जमाने में शादी के कार्यक्रम के दौरान दिए जाने वाले तोहफे में काफी परिवर्तन आ चुका है, लेकिन फिर भी माता पिता की भावनाएं आज भी वही हैं। जी हां दोस्तों, उनमें से कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता है। ऐसे में हर माता पिता अपनी हैसियत के अनुसार अपनी बेटी को जरूरत की सभी चीजें देते हैं। हालांकि आज के वीडियो में हम दान दहेज की क्षमता की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दान दहेज के सही नियमों की बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम जान लेते हैं कि वो कौन सी चीज है जो विदाई के वक्त माता पिता को अपनी बेटी को भूल कर भी नहीं देना चाहिए, अन्यथा बर्बादी आ सकती है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों अब बताते हैं उस चीज के बारे में जरा विस्तार से। दोस्तों अभी तो बेटी को देने के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं, मगर मान्यताओं के अनुसार कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको बेटी की शादी और विदाई के समय उसे नहीं देनी चाहिए। जी हां दोस्तों, गौरतलब है कि ज्योतिष के अनुसार बेटी को शादी या विदाई के समय तोहफे में एक भगवान की मूर्ति नहीं देनी चाहिए। आपको जानकर ताज्जुब होगा, वो भगवान गणेश जी की मूर्ति है। दरअसल कुछ लोग भगवान गणेश जी की मूर्ति को अच्छा शगुन मानकर उसे विदाई के समय अपनी बेटी को तोहफे के रूप में दे देते हैं, मगर वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यूं तो सनातन धर्म के अनुसार जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है तो वो भगवान गणेश जी का नाम लेकर ही किया जाता है, क्योंकि भगवान गणेश जी को शुभकर्ता माना जाता है। ऐसे में कुछ लोग भगवान गणेश जी की मूर्ति को शुभ मानकर उसे तोहफे के रूप में दे देते हैं, लेकिन दोस्तों शास्त्रों के अनुसार बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और ऐसे में अगर आप अपनी बेटी को गणेश जी की मूर्ति देंगे तो इससे लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों एक साथ हो जाएंगे, यानी आपके अपने घर से लक्ष्मी और सौभाग्य दोनों चले जाएंगे, जिसके चलते आपके घर में यानी आपके मायके में धन की कमी हो सकती है। तो दोस्तों यही वजह है कि विदाई के समय बेटी को कभी गणेश जी की मूर्ति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसे अच्छा शगुन नहीं माना जाता है। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका घर बर्बाद हो सकता है और आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। इसलिए आप भूलकर भी ऐसी गलती ना करें। विदाई के समय गणेश जी की मूर्ति बेटी को हरगिज ना दें, इसी में ही आपकी भलाई है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।